राजस्थान का दिल अजमेर को यूं ही नहीं कहते, भूगोल से लेकर इतिहास तक रोमांचित कर जाता है। अरावली की ऊंची पहाड़ियां जहां शहर को एक सशक्त सुरक्षा प्रदान करती हैं, वहीं शहर के भीतर बसी झील ठहराओ, जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर लोग सिर झुकाने आते हैं, तो वहीं पुष्कर में पंचतीर्थ स्नान आस्थावानों को खींच लाता है। और भी बहुत कुछ बसा है इस शहर में, जिनमें बांध पर बनी बारादरी, सहेली बाजार और खामखा के दरवाजे शामिल हैं। चौहान शासकों की बसाई हुई अजमेर नगरी के बीचों बीच खूबसूरत आना सागर झील अपने में एक वैभवशाली इतिहास समेटे है। अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के दादा अरुणोराज ने सन 1135 से 1150 ईस्वी में आना सागर झील का निर्माण करवाया था। ये झील मानव निर्मित है। शासक का नाम अरुणोराज भी कह सकते हैं, आप आना जी भी कह सकते हैं। जिन्होंने ये तालाब को खुदवाया था 1135 से लेके 1150 तक। आना सागर झील पर बांध भी बनवाया गया था। चौहान वंश के बाद मुगल शासक जहांगीर ने 1637 में बांध के ऊपर ही बारादरी बनवाई। खामखा के तीन दरवाजे और सहेली बाजार भी है यहाँ। बारादरी के नीचे की ओर एक बाग है, जिसे कभी दौलत बाग के नाम से जाना जाता था, आज उसे सुभाष उद्यान के नाम से जानते हैं। एक और रोमांचक बात, इतिहासकार बताते हैं कि ताजमहल से पहले बारादरी बन गई थी। यहाँ का मार्बल तो मशहूर है, और अगर मकराना का मार्बल नहीं होता तो आपके ताजमहल नहीं बनता, ये आपको पता है। तो क्या हुआ कि मकराना नजदीक होने के नाते काफी मार्बल अजमेर आने लगा, तो जहांगीर ने कहा कि आना सागर पे सारे कंस्ट्रक्शन जो है वो सारे मकराना के मार्बल के। बादशाह जहांगीर की पोती और शाहजहां की बेटी थी जहां आरा। जहां आरा का अजमेर में लंबा वक्त बीता। उसे ख्वाजा गरीब नवाज में विश्वास गहरा था। अजमेर रहते उसका वक्त सबसे ज्यादा बारादरी और दौलत बाग में ही बीता करता था। जहां आरा बेगम जिसकी जहांगीर की पुत्री थी, जहाँ आरा जो थी उसको ये आना सागर इतना पसंद आता था कि वो तो रहती आती अपनी सखियों के साथ, और उसको यहाँ पे नाच गानों का इतना शौक था कि शाम को महफिल लगती थी बाकायदा, और नाच गाने वगैरह की। और जहाँ आरा दरगाह भी जब कभी जाया करती थी, और उसके दरगाह में बड़ा विश्वास था। बल्कि आपको पता है जहाँ आरा की तो वो है। जिक्र खामखा का ना हो तो फिर क्या हो, खामखा यानी बेवजह। तो अजमेर में बेवजह को भी जगह मिली खामखा के तीन दरवाजों के तौर पर। इसके साथ ही सहेली बाजार की चर्चा होनी जरूरी है, जहां पुरुषों की एंट्री बैन थी। दौलत बाग का एक हिस्सा था जहां पर पुरुषों का आना जाना अलाउड नहीं था, वो एक छोटा सा हिस्सा था। वहाँ पे भी सिर्फ महिलाएं जाती थी, और चारों तरफ से उसको ढका हुआ रखते थे, यानी कि कोई झांक भी नहीं सके उसके अंदर। और तो महिलाएं रात को सोते होते भी वहीं पे ही थी, और वो बहुत छोटा सा हिस्सा था, और था वहीं पे जहाँ पे आज वर्तमान में दौलत बाग। ऐतिहासिक है ये शहर, इसके हर एक कोने में रोमांच बसा है। रोमांच ऐसा जिसे सहेजने की जरूरत है, लेकिन ये भी दुख की बात है कि सहेली बाजार रख रखाव के अभाव में दम तोड़ रहा है, जीर्णोद्धार की बाट जोह रहा है। जरूरत इस बात की है कि अब भी जिम्मेदार जागें और इतिहास की इस अमूल्य धरोहर को संजोएं और सहेजें, क्योंकि ये इतिहास है जो पर्यटकों को आकर्षित करता है। ईटीवी भारत के लिए अजमेर से प्रियांक शर्मा की रिपोर्ट।